हमारे साथ साथ चलते हैं, इसी तरह ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इन्होंने हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ दिया और दुआएं करती रही कि हमारे पर कोई मुश्किल ना आए और हर काम आसानी से हो जाए। पहले तो हमें घर में काफ़ी परेशानियां हुई और इन्होंने दुआएं की और वो परेशानियां ख़त्म हो गई। उसके बाद शादी हमने की, दो बच्चों की, एक बेटे की और एक बेटी की, इकट्ठे की एक ही दिन में। वो शादी में भी इन्होंने कहा कि आप दो शुरू करें काम, खुदाम सारे काम खुद ही पूरे करता है। तो हमारे पास थोड़े से पैसे थे और शादियां दो थीं और पता नहीं कहां कहां से पैसा आया। मैंने बेटे को भी, जैसे जैसे बेटे को डलता है सारा ज्वेलरी वगैरह, मैंने अपनी बहू को डाली और अपनी बेटी को पूरा जहेज दिया और उसको भी मैंने सेट डाला। मुझे नहीं समझ आई, मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी बेटी को भी सेट डाल लूँगी। मैंने उसको भी सोने का सेट डाला और अपनी बहू को भी डाला और शादी भी इतने खूबसूरत तरीके से हुई कि ग्राउंड में सब कह रहे थे कि ऐसी शादी पहले कभी नहीं हुई। उसके बाद दोनों बच्चों पे, दोनों बहू पे और बेटी पे इन्होंने दुआ की। जब वो प्रेग्नेंट हुई, इन्होंने हमने एकदम इनको बता दिया कि हमारे दोनों बच्चियाँ हमारी प्रेग्नेंट हैं। इन्होंने दुआ की कि खुदावंद आपको बेटे दे। वाकई बिल्कुल इसी तरह हुआ, इनको खुदावंद ने बता दिया कि बेटे हैं। दूसरा उन्होंने नाम भी बता दिया कि ये नाम रखना। तो हमने जैसे खुदावंद ने इनको गाइड किया तो उसी तरह हमने भी किया। हमारे घर में दो बेटे पैदा हुए हैं, बेटी का भी और बहू का भी। हमने वही नाम रखे हैं जो इन्होंने कहे। दोनों के केसेस बड़े आराम से, एक का सिजेरियन हुआ लेकिन कोई तकलीफ नहीं, बच्चा भी बहुत अच्छा है, बहू भी बड़े आराम से सारा सिलसिला हो गया। बेटी का केस भी नॉर्मल हुआ। तो इस तरह से हम बहुत खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जैसे जैसे खुदावंद ने बाजी साइमा को गाइड किया बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो मैंने कहा कि हमें जल्दी से गवाही देनी चाहिए, बच्चे जो हैं वो 4 दिनों के हो गए हैं। एक का 4 दिन पहले हुआ है, दूसरी का 4 दिन बाद, यानी सिर्फ 4 दिन का गैप है। तो खुदावंद ने शादियां भी इकट्ठी की और बेबी भी इकट्ठे और दोनों का बेटे दिए। तो खुदावंद के नाम को जलाल हो, सारा जलाल खुदा के बेटे खुदावंद यीशु को मिले। एक और गवाही है, क्षमा आ रही है। ये सब खुदावंद ही के फजल से है, क्योंकि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है। यीशु के जलालियत बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे भी आप सबकी दुआओं से और पास्टर साइमा की दुआ के वसीला से खुदावंद ने मुझे भी बहुत खूबसूरत सा बेटा दिया है और इसका भी नाम खुदावंद ने ही अपनी बेटी के लिए रखा है, अजीकियल इसका नाम रख दिया मैंने। सारा जलाल खुदावंद ही को मिले, क्योंकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए। और इसके बाद इबादत खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट ट्यूसडे को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी आए, दूसरों को भी लेकर आए।